देवप्रस्थ साहित्य एवं कला संगम तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अटल सदन में आयोजित समारोह में उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने डॉक्टर सूरत ठाकुर की हिमाचल प्रदेश की जनजातीय लोक संस्कृति तथा डॉक्टर सूरत ठाकुर व हीरालाल ठाकुर द्वारा संपादित हिमाचल प्रदेश में दयाली और फागली की लोक परम्परा पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने विश्वास जताया कि ये दोनों पुस्तकें प्रदेश की समृद्ध लोक व जनजातीय संस्कृति के संरक्षण व प्रचार प्रसार में सहायक सिद्ध होंगी। इसके माध्यम से युवा अपनी समृद्ध संस्कृति और रीति रिवाज जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनके संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। प्रकाशन संस्थान के डॉक्टर संजीव कुमार, जो स्वयं एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं, और बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डॉक्टर ललित किशोर को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। इसके उपरांत यहाँ आज एक कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें ज़िले के अनेक कवि और कवित्रियों ने भाग लिया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग। आज कुल्लू देवप्रस्थ साहित्य एवं कला संगम के तत्वाधान में डॉक्टर सूरज ठाकुर जी द्वारा लिखी गई दो पुस्तकों का विमोचन आज यहाँ पे किया गया। और कुल्लू जिला की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे साहित्यकार और लेखक हैं यहाँ पे जो कुल्लू की संस्कृति, कुल्लू की परंपराओं और यहाँ के साहित्य पे शोध करके हर साल बहुत सारी पुस्तकें जो है यहाँ से प्रकाशित करी जाती हैं। और आज हमारे बीच में दिल्ली से भी दो साहित्यकार यहाँ पे आए हुए थे, जिनमें से एक डॉक्टर संजीव कुमार, उनका संपादन का भी हाउस है और उन्होंने ही इसमें से एक पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित किया है। तो इस तरह की जो गोष्ठियां हैं, इस तरह के जो आयोजन हैं, ये लेखकों और संपादकों के बीच में एक सेतु का भी कार्य करते हैं और भविष्य में भी और बहुत सारे लेखकों को जो हमारे बडिंग राइटर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करते हैं। और हमारा भी जिला प्रशासन की ओर से या भाषा विभाग की ओर से लगातार प्रयास है कि इनके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएँ जो है हम लोग यहाँ पर दे सकें। अटल सदन के ऊपर का ये जो टॉप फ्लोर है, इस हॉल को भी इसी पर्पज़ के लिए डेडिकेट किया गया है। आने वाले समय में इसको और इम्प्रूव किया जाएगा, इसमें और अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए भी प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए NBT से रिक्वेस्ट करी गई है। तो ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं, आई थिंक इनसे हमारे राइटर्स को, हमारे साहित्यकारों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत सारे और लोग भी जो हैं लिखने के लिए मोटिवेट होंगे और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन से मिलेगा। जी बिल्कुल, युवा लेखकों को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लिखें और इस तरह के जो हमारे आयोजन हैं जिसमें हमारे वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक जिसमें अपने विचार रख रहे हैं, उन आयोजनों में हिस्सा लें, उनसे मोटिवेशन लें, ताकि जो भी शोध कार्य वो कर रहे हैं और जो भी राइटिंग का वो काम कर रहे हैं उसको और रिफाइन कर सकें, उसमें और मोटिवेशन के साथ आगे चलकर और अच्छा कर सकें।